गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम, व्हाट अबाउट यू? सो फाइन बेटा। चलिए आज के सेशन में आप लोगों को जो कविता पढ़ाई गई थी, सारे जहाँ हमने कहा था सब लोग याद कर लोगे, उसकी व्याख्या भी याद कर लोगे, तो आप लोगों ने याद किया है बेटा? यस मैम, यस मैम। ठीक है, बुक शेयर कर रहे हैं, याद की हो तो अच्छी बात है, आप लोग सुनाओगे। चलिए मैं कितने लगा? यस मैम, यस मैम, यस मैम। चलिए सुनाइए बेटा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलस्ता हमारा, गुर्बत में हो अगर हम दिल हो हमारा वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा, गुर्बत वो सबसे ऊंचा। यस मैम, व्याख्या भी बताते चलोगी? यस मैम, जितना आप सुनाए उतनी की व्याख्या पर होता है, चार चार लाइन की है ना, मैं दो दो लाइन करके आप व्याख्या बताते चलिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारी दुनिया में सबसे अच्छा है हमारा हिंदुस्तान, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्ता हमारा, ये पूरा हिंदुस्तान एक बाग है और हम इसमें रहने वाले बुलबुल पक्षी हैं, गुर्बत में हूँ अगर हम दिल हो हमारा वतन में, अगर हम किसी दूसरे देश में हैं और हमारा दिल वतन में ही है तो समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा, तो हमें भी उसी वतन में रहना चाहिए जहाँ हमारा दिल लगे, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासवा हमारा, पर्वत वो सबसे ऊंचा यानी हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है और हम उस आसमां का साया है, वो संतरी हमारा है और हम उसके पहरेदार हैं, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां यानी हमारी मातृभूमि पे बहुत सारी नदियां खेलती हैं, गुलशन है जिसके दम पे यानी बाग है जिसके दम से रस्क ए जिनाम हमारा, वही तो हमारा स्वर्ग है, हमें इससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जो हमारा धर्म है वह हमें नहीं सिखाता आपस में शत्रुता रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदू हैं और हमारा वतन भी हिंदुस्तान है, कुछ बात है कि इसकी हस्ती मिट्टी नहीं, सदियों रहा है दुश्मन दौर ए जमा हमारा, कुछ ऐसी बात है जिससे इसकी जैसे इसका अस्तित्व नहीं मिटता, क्योंकि सदियों से जब दुश्मनों ने हमला किया तो बार बार हमने उस आक्रमण को होने से बचाया, इसलिए आज तक हमारा अस्तित्व ऐसे ही बना है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे दुनिया से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, और हम बुलबुले हैं इसके ये गुलशन हमारा, हम यह हिंदुस्तान एक बाग है और हम इसके बुलबुल पक्षी हैं। अच्छा बेटा, चलिए अभिनय आप बेटा सुनाएंगे। मैं पोयम, हाँ इसे व्याख्या करके आप भी सुनाइए।
पोएम आपके सामने है, दो दो लाइन पढ़ के व्याख्या करते हुए समझाइए। अभिराज चलिए बेटा, चलिए आप सुनाएंगी। प्रिया यस मैम सुनाइए बेटा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इस या गुलदस्ते हमारे, हम गुलदस्ते नहीं बेटा, हम गुलिस्ता है, गुलिस्ता शब्द है। यस मैम, हम इस दुनिया के हमारा देश सबसे अच्छा है, हमारा हिंदुस्तान हमारा दुनिया एक अच्छा है, हम दुनिया के बुलबुल, हम दुनिया के बेटा देखिए पक्षी या बुलबुल, सारे संसार में सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान की बगीचे में रहने वाले बुलबुल हैं। चलिए आगे, आपने उस दिन क्लास नहीं लिया था बेटा? मैम लिए थे। तब आपको, आप लोगों को कहा भी गया था कि आपको व्याख्या नोटबुक पे लिख डालिएगा। देखो सब लोग क्लास ही छोड़ दिए, बताओ इतना बता पाते तो कोई यहाँ सजा तो दी नहीं जाती, तो क्लास छोड़ने का कौन जो है था, सभी लोग क्लास ही छोड़ दिए। प्रिया आपको इसे सुनाइए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इस या गुलदस्ता हमारा, गुलदस्ता बोल रही हो मैं, हुए गुलिस्ता, गुलदस्ता बोल रही हो, गुलिस्ता बोलिए, गुलिस्ता मैम, गुलिस्ता, गुलदस्ता, गुलिस्ता, देखिए गा हमारा माता, देखिए गा पे छोटा की मात्रा गु, ला पर छोटी मात्रा ली, गुली आधा सा है, अट्टा है, ता पे चार बिंदी है, गुलिस्ता, गुलिस्ता, गुलिस्ता हमारा, कई बार आप उच्चार करोगे गुलिस्ता गुलिस्ता तो आपका जो है सब क्लियर होने लगेगा। चलिए आगे पढ़िए। कुब्रता में हुए अगर हम रहते हैं दिल वतन में, समझो वहीं हम भी दिल में, वहीं जहां हमारा पर्वत वो समझे ऊंचा, हमसाया आगमन का वे सती हमारा, वे पर्व हमारा, वे संतरी हमारा, है। ओ पासवा, पासवा हमारा, पासवा शब्द है। यस मैम, वह संतरी हमारा, वह काउवा हमारा, गोदी में खेलती हैं जिसके हजारों नदियां,
गुलशन है जिस गुलशन गुलशन है जिसके दम से रस इश्क हमारा रक्स ए जिना हमारा मजहब आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन के हिंदू हमारा कहते हैं कि अच्छी मिट्टी नहीं बनती सदियों से हैं दुश्मन ये जमा हमारा सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इस या बुल हमारा अरुण यस मैम बेटा आप क्लास को छोड़ देते हो बीच में मैम कट गया था अच्छा सुनाइए आप भी सारे से अच्छा हिंदू सीता हमारा मैम वीडियो ऑन है सारे दुनिया में सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान है हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलसिता हमारा यह पूरा एक बगीचा है हम सब उसके फूल हैं गर्भत में हो अगर हम रहता हर दिल वतन में गुर्बत सब हम चाहे दूसरे देश में हो पर हमारा मन अपने देश में ही लगा रहता है समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा मैम चलो स्टॉप हो गए मैम इसका नहीं पता क्या नहीं पता है कौन सी सुना सकते हो आप गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा आगे पढ़िए वो पर्वत हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का वो संतरी हमारा वो पासवा हमारा पढ़िए बेटा मैम जाके नहीं आए तो फिर कविता तो सुनाइए पढ़ के वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां गुलशन है जिसके दम से रस्क ए जिना हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौर ए जमा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा बेटा उधर क्लास में लिए थे जो हमने अभी आपसे बताई थी मैम लिए थे मैम लिए थे मैच भी सुनाई है उसके बाद भी आप नहीं बता पा रहे हो इस सारे संसार में सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान है हम इस हिंदुस्तान के बाद में रहने वाले बुलबुल हैं हम अगर
दूसरे देश में रहते हैं तो भी हमारा मन हमेशा अपने वतन यानी हिंदुस्तान में लगा रहता है। ऐसे हालत में हमें अपने आप को वही समझना चाहिए जहाँ पे हमारा मन हो। कहने का भाव यह है कि अगर हम परदेश में रहते तब भी हमारा मन अपने ही देश में लगा रहता है, यानी हम अपने आप को हिंदुस्तान में ही समझते हैं। हमारे देश का उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत जो संसार का ऊंचा पर्वत माना गया है, जो पड़ोसियों से हमारे देश की सीमा की रक्षा कर रहा है। किस तरह रक्षा कर रहा है? एक संतरी की तरह, यानी एक पहरेदार की तरह हमारी सीमा की पहरेदारी कर रहा है, यानी हमारा हमारे देश की उत्तरी सीमा पर विश्व का पर ऊंचा विशाल पर्वत हिमालय है, जो पड़ोसी से एक पहरेदार की तरह हमारे सीमा की पहरेदारी कर रहा है। हमारे देश की गोदी में हजारों नदियां दिन रात खेला करते था बहती हैं। इन नदियों के पवित्र जल से ही हमारा हिंदुस्तान का बाग जो है ये आबाद हुआ, यानी इसके दम से ही हमारा हिंदुस्तान जो है स्वर्ग, धरती का स्वर्ग कहलाता है। स्वर्ग की तरह हरा भरा है जिसे देखकर लोग ईर्ष्या भी करते हैं। कोई भी धर्म हमें यह नहीं सिखाता है कि आपस में एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना रखें। हम हिंदू हैं, हम हिंदी भाषी बोलने वाले लोग हैं और हिंदुस्तान हमारा है, हमारा वतन हिंदुस्तान है। हमारे देश में ऐसी विशेष बातें हैं कि कभी भी सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश को दुश्मनों ने रौदा, गुलाम बनाया, बहुत प्रकार से शोषण किया, लूटा, लेकिन कुछ ऐसी खासियत हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता में है कि वे हमारे अस्तित्व को नहीं मिटा पाए। इसलिए इस पूरे संसार में सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तान रूपी बगीचे में रहने वाले बुलबुल हैं। आए समझ में अरुण? यस मैम। बेटा जब तक भावार्थ तब तक प्रश्नों का उत्तर आप नहीं दे सकते हैं। चलिए कुछ बातों में जो क्वेश्चन है थोड़ा उस पर हम फोकस करेंगे, देखते हैं कितना आप लोग समझ पाए हो। आपके अनुसार आजादी क्या होती है? आजादी का मतलब क्या होता है? सबको अपने अपने विचार बताना। मैम किसी की गुलामी मत करना। किसी के गुलामी न करना, यानी किसी का अंदर न रह के उसकी मतलब। फिर ये आपके नजर में क्या होगा मैम? किसी की गुलामी ना करना, मैं अपने आप करना। अरुण आपका? मैम स्वतंत्र रहना। स्वतंत्र रहना यानी किसी भी प्रकार का रोक टोक ना हो। आजादी का मतलब है कि हमारे हम दुश्मन के अंदर न रहे, है ना, हम पे दुश्मन अपना कब्जा न बनाए, हमें अपना गुलाम न बनाए, हम अपने विचारों को व्यक्त करने में स्वतंत्र रहें, हम बेरोक तो कहीं आ जा सके, है ना, हम अपनी भाषा को बोलने, अपने धर्म को मानने के लिए कोई हमें बाध्य न करे, यही हमारी जो है आजादी होती है। जब हम किसी के गुलाम नहीं होंगे तो कोई हमें इसके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता है, है ना। चलिए सारे जहां से अच्छा कविता पढ़ते समय आपके मन में क्या विचार आए थे? कविता को पढ़ के आपके मन में क्या विचार आए है? मैम यह से पढ़कर हमारे मन में यह विचार आए कि हमारा हिंदुस्तान
पाकिस्तान एक बहुत ही अनोखा देश है और हम भमशा पर्वत हिमालय हमारी रक्षा करता है। और हमारे हिंदुस्तान का अस्तित्व अभी भी नहीं मिटा है। आपके अरुण, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? मैम, मैम सारे दुनिया में सबसे अच्छा अपना भारत देश है। मनु, विचार क्या आ रहा है आपके, कि हमारा भारत महान है, संसार में सभी देशों में सबसे अच्छा है, इसकी सभ्यता संस्कृति जो है हमेशा कायम रही है, अछोड़ है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है, है ना? यही तो हमारे देश, हमें अपने देश के प्रति गर्व है, अपने देश के प्रति हमारे मन में प्रेम की भाव जागृत हो रही है, सभ्यता को पढ़कर गर्व महसूस हो रहा है अपने देश के लिए, है ना? तो प्रिया, यही तो हो रहा है कविता पढ़ने के बाद, हमें अपने गर्व हो रहा है ना, सारे संसार में सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान देश है, है ना? फिर हजारों नदियां यहाँ है, हमारे पर्वत हमारी पहरेदारी कर रहा है, हमारा देश हरा भरा है, धरती का स्वर कहलाता है, ये सब चीजों से हमें गर्व महसूस हो रहा है और फिर देश के प्रति प्रेम की भावना भी जागृत हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कवि इकबाल ने यह कविता किस समय लिखी और क्यों? देखिए, कवि इकबाल ने यह कविता 1905 में लिखी थी, है ना? क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, लोग अंग्रेजों की गुलामी से तंग आ चुके थे, है ना? तो यह कविता इकबाल जी ने की जो है, यह उर्दू भाषा की एक गजल है, इसमें देश प्रेम की भावना से भरी हुई है। यह स्वातंत्र स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के विरोध का प्रतीक बनी। क्यों लिखी गई? तो ब्रिटिश शासन के गुलामी के लोग परेशान थे, इसलिए यह गजल ब्रिटिश शासन के विरोध का प्रतीक बनी। क्या यह कविता आज भी उतनी ही सार्थक है? पक्ष विपक्ष में अपने विचार रखे, इतना सार्थक कुछ समय था यह कविता जब हमारा देश गुलाम था, क्या आज भी यह कविता सार्थक है? विचार से आप सहमत हैं? आपका विपक्ष में भी तर्क पक्ष में भी तर्क होना चाहिए, हाँ तो बताइए आप पक्ष में क्या तर्क देना चाहेंगे और विपक्ष में क्या देना चाहेंगे, बताइए बेटा। मैं एक्चुअली बेटा बताइए अरुण। यस मैम। एक्चुअली बेटा पहले तो आपका वीडियो हमेशा बंद रहता है, बगल म्यूट रखा करो अपने आप को, आवाज नहीं आए खटर पटर की अगल बगल से। चलिए फिर मैं क्या बताइए, पश्चिमी तर्क दीजिए, आपके जो विचार क्या है, आज भी सार्थक है कि नहीं? यस मैम, मैम सार्थक है। कैसे, कुछ बताओगे? मैम क्योंकि आज भी हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से बहुत ही अच्छा है और अभी भी इसकी हस्ती नहीं मिटी है और सदियों से जो दुश्मन हमारे हिंदुस्तान पर आक्रमण करते आए हैं वह आज भी हमें भारत से अलग नहीं कर पाए हैं, हमें अपना गुलाम नहीं बना पाए हैं। आज भी हमारे देश के में सीमा पर दुश्मन निरंतर हमें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है ना? Yes, कोई भी मौका ऐसा नहीं होता है कि दुश्मन जो है प्रहार करने में पीछे हटे, तो इसलिए वो कविता आज भी हमारे लिए उतना ही सार्थक है
जितना कि उस समय थी, हमारे देश के वीरों के प्रति देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए और हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के महत्व को बताने के लिए यह कविता आज, कविता की सार्थकता आज भी हमारे लिए उतनी ही है कि नहीं? समझ में आ गया आपको? यस मैम। ये सब चीजों पे आपको ध्यान देना है बेटा। स्वतंत्रता संग्राम का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? यानी हम अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम, कई स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा गांधी जी के आंदोलन के बारे में। जो भी आंदोलन गांधी जी ने चलाया था वो स्वतंत्रता संग्राम का ही आंदोलन था। यहाँ दो पॉइंट दिया भी गया है, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, है ना? ये किसके द्वारा चलाया गया था? गांधी जी द्वारा। गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो आपको ये बताना है कि आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कौन सा पहलू, इस आंदोलन में से कौन सा आंदोलन है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है? बताओ बेटा। मैम भारत छोड़ो आंदोलन। कुछ पॉइंट भी बता सकते हो उसके बारे में? मैम गांधी जी ने अंग्रेजों से यह कहा था कि वह हमारे भारत को अपनी गुलामी से आजाद कर दें, और उन्होंने यह समझा भी लिया था। उन्होंने सभी धर्मों को एक करके अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन एक तरह से अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए ही गांधी जी ने चलाया था। पहले तो उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया कि कोई अंग्रेजों का साथ मत दो, लेकिन जब अंग्रेज इससे भारत नहीं छोड़े तो उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जो है शुरुआत कर दी, जिसके फलस्वरूप 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है सबसे ज्यादा हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित करता है। चलिए कलम की सवारी पे देखिए। कविता की अधूरी पंक्तियां पूरी करें, बताइए चलिए क्या होना चाहिए? प्रिया मैम, सारे जहां से सामने देखिए पहले। मैम दूसरा होगा यहाँ। मैं बताइए मैम, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हाँ बेटा, और दूसरी लाइन मैम हस्ती। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हिंदुस्तान, हम बुलबुले हैं इसकी या गुलिस्ता हमारा। प्रिया ये बेटा आपने किताब भी नहीं लिया है ना? नो मैम। ले लीजिए बेटा किताब, ले लीजिए, तभी आपकी पढ़ाई हो पाएगी सब। चलिए अगला प्रश्न है, कवि ने किसे सारी दुनिया से अच्छा कहा है और क्यों? प्रिया बताओ तो एकदम स्पष्ट है। यस मैम, हमारा देश महान है एंड क्यों है हमारा देश सारी दुनिया से अच्छा है तो क्यों अच्छा है? कौन सी ऐसी बात है जो सबसे अलग हमारा देश है अच्छा है? मैम
मैं क्या बताइए? सारी दुनिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, यह कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ का धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि हम आपस में शत्रुता रखें, और जब सदियों तक दुश्मनों ने हमारे इस भारत देश पर हमला किया तो हर वक्त हमारे हमारे हिंदुस्तानों ने उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। यानी हम एक हैं, हमारी एकता और अखंडता को कोई तोड़ नहीं पाया है, इसलिए हिंदुस्तान सबसे अच्छा है। हम भले ही आपस में लड़े झगड़े लेकिन जब हमारे देश की बात आती है, देश के मान सम्मान की बात आती है, तो हम हिंदुस्तानी एक होकर दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, उन्हें बाहर खदेड़ कर ही दम लेते हैं। ठीक है, निम्नांकित पंक्तियों की संरचना व्याख्या लिखिए, इसको आपको व्याख्या लिखकर भेजना है। समझ आ रहा बेटा? यस मैम। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों आप लिखेंगे इसको, आप दोनों लोग। ठीक है, नोटबुक होगी पुरानी ना, उसी बना लीजिए। हाँ, तो जो चैप्टर फर्स्ट डाल के अपना पेज है कि यहाँ पूरा चैप्टर आपका आ जाए, तो आप उसी में लिखना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये 2 आज लिख कर भेजिए, इसके बाद 4-5 रहेगा मंडे को अपना लिखना, जिसमें फोर्स बताया गया कोई ऐसी 5 बातें लिखिए जिसके आधार बनाकर आप गर्व से कह सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आपको अपने देश की 5 विशेषताओं को बताना है जिसके आधार पे हमारा देश सबसे अलग दिखे, है ना? क्या ऐसा विशेषता है, कौन से ऐसे कारण है कि हिंदुस्तान हमारा सबसे अच्छा है? तो ये 5 कारण यहाँ लिखना है, 5 बातें। आगे समझ में? और पांचवे में आपका इस कविता का मुख्य भाव क्या है, इस कविता का जो सारांश आपको मुख्य भाव लिखना है, पूरी की व्याख्या ना करके पूरी कविता हमें कौन सी भावना हमारे अंदर जागृत कर रही है, कौन सी भावना हमारे अंदर प्रेरित कर रही है ना, कविता में किस चीज के विषय में बताया गया है, ये चीज को आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। कल ले जाएंगी ना आप लोग इसको? यस यस मैम। आज के लिए आपको केवल 2 और 3 क्वेश्चन करना है, 4-5 रहेगा मंडे के। ठीक है? यस मैम। यस। अब इससे आगे भी अब आज नहीं बताएंगे क्योंकि 2 ही लोग बची हो, अभी सब लोग को फिर से हमें एक बार पढ़ाना पड़ेगा, सब लोग इकट्ठा होंगे तो, इसलिए आपको दिया गया होमवर्क उतना आप लोग कर लेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। हाँ, चलिए बेटा सेशन एंड कर रहे हैं हम। ठीक है, यस मैम। एवरीवन मैम, गुड बाय।